गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और ये देखिए, नरीमन पॉइंट पर मूवी की शूटिंग चल रही है। किस मूवी की शूटिंग है ये हमें पता नहीं है, क्योंकि हमें कहीं पे भी कुछ बोर्ड दिख नहीं रहा है। लेकिन हम शूटिंग की तरफ ना देखते हुए सी को देखेंगे, इसकी ब्यूटी को देखेंगे और कितना शांत है और कितना अच्छा लग रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि आज शाम को हम कहीं जाने वाले हैं, लेकिन कहाँ या व्लॉग में आगे देखेंगे कि हम कहाँ जाने वाले हैं। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। कितना सुंदर सनसेट हो रहा है ये। और आज हम आ गए हैं मैच देखने के लिए वानखेड़े स्टेडियम, और हम यहाँ से एंट्री करेंगे गेट नंबर 1 से। और ये बसेस से प्लेयर्स ऑलरेडी ग्राउंड में पहुँच चुके हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि मैच KKR और पंजाब किंग्स के बीच है। और यह देखिए, टीम्स वार्म अप कर रही हैं मैच से पहले, और हम लोग यहाँ प्रेस बॉक्स में हैं, यहीं से मैच को देखेंगे। और ये हम लोगों का स्टेडियम में लाइव मैच देखने का पहला एक्सपीरियंस है, और पहला ही एक्सपीरियंस काफ़ी इलेक्ट्रिफाइंग होने वाला है। शाम हो रही है और धीरे धीरे माहौल भी शानदार होता जा रहा है। ये देखिए, हम कॉर्पोरेट बॉक्स में हैं पंजाब किंग्स को सपोर्ट करने के लिए, और हमें पता है कि शायद आज पंजाब ही जीतेगी इस मैच को। And here you can see the match is about to start. Punjab openers are out there in the middle, and you can see the atmosphere is very electrifying. The supporters of KKR are more here, but we are supporting Punjab, and we are hoping that Punjab will defeat the KKR. And the match, first ball of the match will be bowled by Umesh Yadav, and Mayank Agarwal is on strike, the captain of Punjab Kings. और ये देखिए, सच्चिदा कॉर्पोरेट बॉक्स से मैच को एंजॉय करते हुए, पंजाब किंग्स के फ्लैग को वेव करते हुए। हमारा प्लान था कि हम वानखेड़े में मैच ज़रूर देखेंगे लाइव, लेकिन एक फ्रेंड की हेल्प से टिकट अरेंज हो गए, और वो भी कॉर्पोरेट बॉक्स के। तो एकदम मज़ा आ गया, यहाँ पर बैठ के मैच देखने का एक अलग ही आनंद है। और यहाँ पर आपको स्नैक्स वगैरह एंड इवन डिनर भी उन्हीं की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था जो हमने यहाँ पर आज मैच देखकर एंजॉय किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, इस मोमेंट को मैं कैप्चर करके बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। देखो ग्राउंड कितना अच्छा लग रहा है, और ये लोग भी बालकनी में खड़े होकर के मैच का फन एंजॉय कर रहे हैं। वाओ, अमेजिंग एक्सपीरियंस। गाइस देख सकते हैं आप, हम लोग भी आज वानखेड़े में मैच देख रहे हैं, पंजाब किंग्स 11 को सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। और ये देखिए, अभी हाफ टाइम हो गया है, 138 बहुत है कोलकाता के लिए, 138 बहुत है। मैच इज अबाउट टू स्टार्ट। ये देखिए, अंपायर जा रहे हैं फील्ड पे। ये देखिए, श्रेयस अय्यर
रेडी हैं फर्स्ट डाउन जाने के लिए और हम जस्ट केकेआर के डगआउट के ऊपर ही हैं। तो केकेआर इस मैच को बहुत ही आसानी से जीत चुकी है और हम लोग थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। रसल ने अकेले ही मैच जिता दिया है केकेआर को और ये देखिए टीम आपस में हैंड शेक करते हुए। हो गया भाई मैच, वेरी सैड। जीत जाते तो ज़्यादा खुशी, थोड़ा मन दुखी हुआ मैच अपनी टीम हारने के कारण, बट कोई नहीं, मज़ा आया फुल। और अब हम स्टेडियम से बाहर जा रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि जिस टीम से हम रिप्रेजेंट करने के लिए चीयर्स कर रहे थे वो टीम तो हार गई, मगर कोई नहीं, खूब मैच एंजॉय किया। और अब हम वापस इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ जा रहे हैं और देखो ये स्टॉल लगी हुई हैं, हम लोगों को खाने पीने की व्यवस्था थी, खूब मज़ा किया, फुल एंजॉय था। ये फर्स्ट मैच हमारा स्टेडियम में लाइव था जिसको हमने लाइव देखा और फुल एंटरटेन हुए। यहाँ पर हमारी टीम के ऑनर और स्टाफ के सारे मेंबर्स हैं जो बेचारे मन को समझा रहे हैं, एक दूसरे को दिलासा दे रहे हैं और खुश हैं कि लेट्स सी प्ले अगेन, फिर हम जीतेंगे, ये एंड नहीं था। अब घर को जाएंगे वापस और अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमें मोटिवेट करिए नेक्स्ट ब्लॉग के लिए। ओके, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।